आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार दोस्तों, कक्षा प्रथम के संस्कृत विषय में हम लोग अभी अष्टम पाठ में अध्ययन कर रहे हैं। अष्टम पाठ में भिन्न भिन्न वस्तुओं के नाम, जैसे फूल हुए, सब्जियों के नाम, फिर अन्न वगैरह के नाम उच्चारण क्या अध्ययन किया, फलों के नाम के, फिर सब्जियों के भिन्न भिन्न सब्जियों के नाम, उसके बाद कुछ फूलों के नाम भी जाने। अब क्रम उसी क्रम में है अन्न के नाम, अन्ना यानी अन्न। इस अन्न को हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें जो अन्न का प्रयोग होता है नाम हम लोग तो जानते हैं हिंदी में, लेकिन आज हम लोग संस्कृत भी बताया जा रहा है कि संस्कृत में किस अन्न को हम बोलते हैं। यहाँ पर आपको आपके पास पुस्तक होगा, यहाँ क्रमशः दिया हुआ है, 5-6 अन्न का नाम यहाँ पर दिया गया है। यव, यव मतलब जौ, तंडुलम चावल, जिसे हम लोग चावल बोलते हैं वो संस्कृत भाषा में उपयोग करते हैं, गोधूमा गेहूं, सरसप मसाला है, द्विदलम दाल, जो दाल हम लोग खाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के दाल होते हैं, तो यहाँ पर द्विदलम अर्थात दाल, चणक माना चना, तो इसका हम और फिर कॉपी में लिखेंगे और शुद्ध शुद्ध याद भी करेंगे। आइए, यव, यव, यव अर्थात जौ, तंडुलम, तंडुलम अर्थात चावल, गोधूमा, गोधूमा अर्थात गेहूं, सरसप, सरसप सरसों, द्विदलम, द्विदलम अर्थात दाल, चणक, चणक अर्थात चना। तो आइए पुनः एक बार हम इसका उच्चारण करते हैं, यव, यव, तंडुलम, तंडुलम, गोधूमा, सरसप, सरसप, द्विदलम, द्विदलम, चणक, चणक। तो इस तरह से हम इसका, इन सभी अन्नों के नामों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे, याद करेंगे, हर कॉपी में लिखेंगे, गृह कार्य लिख लीजिए। नाम, नाम, नामानि, स्मरतु च। पुनः एक बार और इसका उच्चारण करेंगे, यव, यव अर्थात जौ, तंडुलम, तंडुलम, तंडुलम अर्थात चावल, गोधूमा, गोधूमा, गोधूमा अर्थात गेहूं, सर, ससर्प, सर, सरसप, सरसप अर्थात सर, द्विदलम अर्थात दाल, चणक, चणक अर्थात चना। यहाँ पर जो तंडुलम है तो हम लोग भात को भी चावल ही बोल देते हैं, तो पकने के बाद वो भात हो जाता है, उसको भक्तम बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन जब वह चावल लगता है, पका नहीं रहता है, तब तक वह चावल लगता है, उसको चावल बोला जाता है, और उस चावल को संस्कृत में हम तंडुलम नाम से जानते हैं, तंडुलम नाम दिया गया है, तो तंडुलम, और भात को भक्तम बोलते हैं, तो यव, यव, तंडुलम, तंडुलम, गोधूमा, गोधूमा, सरसप, सरसप, द्विदलम, द्विदलम, चणक, चरण कह। तो बनो इसे हम अपने कॉपी में लिखेंगे, शुद्ध शुद्ध याद करेंगे, गृह कार्य है आपका, अन्ना नाम नामानी लिख, पुनः अगले पाठ के साथ अगले कार्यांश में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।